हेलो बच्चों, तो ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड है सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट का। अब होता क्या है, मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि बहुत सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट से रिलेटेड, और वो पढ़ा भी रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि वो टीचर बेवकूफ़ हैं, बिल्कुल वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, बहुत सारा उनको टीचिंग एक्सपीरियंस भी होगा, बहुत अच्छे भी हैं वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ है कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारे पास वो दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो वो ठीक इसी तरीके से कि जैसे आपको भाई देखना है कि यार पेन कैसे चलेगा, तो पेन आपको कैसे चलेगा, आपको दिमाग दौड़ाना था लेकिन आपने क्या किया, आप यूट्यूब पे सर्च किया पेन कैसे चलेगा, उसने बताया पेन कैसे चलेगा और आपने देखा वो ट्रिक देखी और चलाया और चल गया, काम हो गया, लेकिन वो आपने अपना दिमाग नहीं लगाया। तो मैंने जो पहला कॉन्सेप्ट करा था, पहला जो पार्ट कराया था, उस पार्ट से रिलेटेड मैंने सोचा कि मैं नया क्या दूँ बच्चों को, ऐसा क्या दूँ कि जो बाकी चीज़ों से अलग हो। तो अलग के लिए मैंने क्या किया, वो जो क्वेश्चन मैंने वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पहला वाला, उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस अराइज किए हैं। उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। आप क्या करें, उन क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन से रिलेटेड अपने आंसर बताएं कि क्या आंसर हो सकते हैं। एक दूसरा, हो सकता है आपका आंसर सही हो, ये हो सकता है आपके आंसर गलत हो। दो तीसरी कंडीशन एक और हो सकता है कि आपको कुछ भी ना होगा तो इस क्वेश्चंस को पढ़ने से आपका दिमाग जरूर चलेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं है कि आपने लगा लिया वीडियो चल रही है और सब कुछ हो जाएगा, आपको ब्रेन अपना चलाना पड़ेगा और दिमाग चलेगा तभी बातें होंगी। तीन चौथी चीज़ें, इस तरीके से हम इस लेक्चर को बड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में और नॉलेज तो खुद ब खुद बढ़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को अपने लेक्चर पर छोड़ता हूँ। आप एक क्वेश्चन को देखें और थोड़ा सा जरा सोचें कि इन क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं। तो जरा देखें पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हो सकती हैं। आपको पता होगा बिल्कुल इसके आंसर क्या हो सकते हैं, आप जानते होंगे। सेकेंड कह रहा है कि क्या किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट आ सकता है। भाई बोल रहा है कि यार एक से अधिक सब्जेक्ट आ सकते हैं किसी सेंटेंस में। तीसरा कह रहा है, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग आएगी। तीसरा जो बोल रहा है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ना हो करके दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले के, दूसरे वाले के, या दोनों के अकॉर्डिंग आएगी, क्या होगा। चौथा कह रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, ये आपको देखना पड़ेगा। फोर्थ वाला बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होगा, इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे। और फिफ्थ वाला देखना, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा समझना है। ग्रामर में आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि क्या होता है नाउन, नाउन इक्विवेलेंट। और लास्ट हमारा कहता है, नाउन और वर्ब के अलावा क्या और कुछ भी सब्जेक्ट नहीं बनता। नाउन और वर्ब के अलावा क्या और भी कुछ भी सब्जेक्ट नहीं बनता। जरा इन पांचों के बारे में सोचिए, आंसर बताइए, बहुत बढ़िया अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख पाएँ तो, और नहीं लिख पाते हैं तो आप अपने मन में इमेजिन करें इन सेंटेंस का, इन क्वेश्चंस के आंसर, और फिर हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, तो आई होप कि आप लोगों को कुछ के आंसर मिल गए होंगे और कुछों के आंसर आप सोच रहे होंगे और आप निकाल ही पाएंगे उनके आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, बिल्कुल भी बिल्कुल आप निकाल पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमें अपनी जो है मेमोरी को थोड़ा सा शार्प करना पड़ेगा, थोड़ा डीप जाना पड़ेगा मीनिंग को समझते हुए। तो चलिए चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है, एक सेंटेंस में कितनी वर्ब्स हो सकती हैं। अब एक सेंटेंस में जनरली हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होता है और एक सब्जेक्ट के लिए एक ही वर्ब होगी। एक सेंटेंस में जनरली एक ही सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट के लिए दो एक ही वर्ब होगी, ये एक पहले वाले का आंसर है। अब एक ही वर्ब होगी लेकिन कहीं कहीं किसी सेंटेंस में आपको मिलता है दो वर्ब जिनको हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों मिल जाती है। भाई कहीं पे तो सिर्फ मेन वर्ब है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, ही स्पीक्स मतलब वह बोलता है, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है और स्पीक्स उसकी वर्ब है। अब ही स्पीक्स हमारी वर्ब हो गई, लेकिन आपने देखा इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट और स्पीक्स हमारी वर्ब है, सिर्फ एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है ही। लेकिन इस वाले सेंटेंस में मान लीजिए अगर हम लोग किसी ऐसे सेंटेंस की बात करें जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हों, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही इज स्पीकिंग, अब ही इज स्पीकिंग में इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और स्पीक हमारी मेन वर्ब है। अब स्पीक मेन वर्ब है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो दोनों आ गए,
हेल्पिंग और मेन वर्ब। अब इससे एक नया क्वेश्चन अराइज होता है कि हेल्पिंग और मेन वर्ब अगर दोनों हो किसी सेंटेंस में तो हम किसको चेंज करेंगे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले वाले का तो मीनिंग ये पता चल गया कि जनरली एक सेंटेंस के लिए एक सब एक ही वर्ब होती है, और कभी कभी एक सेंटेंस के लिए दो वर्ब अगर आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होगी। ये हमारा आंसर। सेकेंड की तरफ चलते हैं, क्या किसी सेंटेंस में एक से अधिक सब्जेक्ट आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट ना हो करके दो, तीन या चार हो सकते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ आई यू एंड दे, यू आई एंड दे, और यू दे एंड आई, तो यू हो गया एक प्रोनाउन, दे हो गया दूसरा, आई हो गया मैं, तो यू तुम वे और मैं, तो ये तीनों अलग अलग सब्जेक्ट हो गए। भले इन तीनों के लिए जो वर्ब आएगी वो एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, तीनों के लिए अलग अलग वर्ब नहीं होगी। तो ये तीन सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को हम लोग एक सब्जेक्ट मानेंगे, उसको हम लोग प्लुरल कंसीडर करेंगे, और जो इसके लिए वर्ब आएगी वो प्लुरल ही आएगी। दो। तीसरा वाला क्वेश्चन कहता है, अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? जनरली जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जनरली एक होता है, कभी कभी दो भी हो जाते हैं, कभी कभी तीन भी हो जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर पर्टिकुलर कुछ रूल्स आते हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे एज वेल एज के साथ जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आ जाता है, आइदर और के साथ जब सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग, या फिर वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो वो हम लोग समझेंगे। लेकिन ये सवाल ये कह रहा है कि किसी एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हों तो वर्ब्स किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो डिपेंड करेगा उस रूल के, उस रूल कौन सा रूल वो कहता है एक, और दूसरा सिंपल सेंटेंस में अगर एंड से कनेक्ट सब्जेक्ट होते हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। मतलब अगर प्लुरल होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो प्लुरल हो जाएगा, तो प्लुरल वर्ब, और एक अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तीसरा क्वेश्चन। चौथा हमारा कहता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल भी करेंगे अभी। लेकिन इसके अगर आंसर की बात करें तो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा जो है वर्ब होता है, वर्ब के अकॉर्डिंग कभी सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नहीं होता। आइए चलते हैं पाँचवा क्वेश्चन, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? ये बड़ा ही जो है, पता नहीं लोग क्यों इस बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, नाउन इक्विवेलेंट क्यों क्या होता है। सबको आसान आसान तरीके से पढ़ाना है, सबको डीप नहीं जाना है, सबको बच्चों को खुश करना है, तो व्यूज़ लाने हैं, तो अच्छा अच्छा पढ़ाओ, आसान आसान पढ़ाओ, बच्चे भी खुश, आप भी खुश, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग डीप नहीं जाते हैं, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते, हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते। दिमाग लगाएंगे तो फिर इस तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन अराइज होंगे तो शायद हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, किसी दूसरे वीडियो की तरफ चले जाएं, सलमान खान के ट्रेलर की तरफ चले जाएं, विराट कोहली के इंटरव्यू की तरफ चले जाएं, क्योंकि ये नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना है बिल्कुल इजी इजी सवाल, जैसे कि बाकी सब लेक्चर्स देते हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, आपको ये लगेगा कि मैंने पढ़ जरूर लिया है, एक घंटा मैंने इस वीडियो देखा, एक घंटा मैंने इंग्लिश पढ़ लिए, लेकिन डीप अगर आपको पढ़ना है, इफ यू हैव टू गेट सेलेक्टेड इन एनी एग्जाम्स देन यू विल हैव टू गो डीपर एंड डीपर, है ना। एक idioms भी है, ponder over, ponder over का मतलब होता है think and deep, and there is one more idioms called brown study, brown study मतलब होता है deep study, and there is one more another idioms called birds eye view और eagle eye view, eagle eye view का मतलब ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखना, और एक और idioms है read between the line, आपको उसके अंदर के meaning समझने होंगे, आप बिल्कुल बाहर बाहर पढ़ करके नहीं जा सकते हैं। तो ये जो last वाला question है, second last, noun equivalent क्या होता है? अब recently I have told you that there are two things which can form a subject, noun and pronoun. बट वट अबाउट नाउन इक्विवेलेंट? नाउन इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। बराबर का मतलब होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू हैव कम्प्लीटेड योर ग्रेजुएशन एंड इफ देर इज अ पोस्ट कमिंग इन अ मार्केट दैट दे आर रिक्वायरिंग अ पर्सन हु हैज डन देयर ग्रेजुएशन इन 50% मार्क्स और विद 60% ऑफ मार्क्स, सो if you have completed your graduation in science stream and there is one more person who has completed their graduation in BA or in art stream and there is one more person who has completed their education or their graduation in BTech और इन BBA और इन मैनेजमेंट स्ट्रीम, तो ये अलग अलग स्ट्रीम के लोग हो गए, लेकिन ये सारों को कंसिडर किया जाएगा ग्रेजुएशन। BA वाले को भी बोला जाएगा ग्रेजुएशन, BSc वाले को भी बोला जाएगा ग्रेजुएशन, BCom वाले को भी बोला जाएगा ग्रेजुएशन, BTech वाले को भी बोला जाएगा ग्रेजुएशन, इवन पॉली को भी जो है इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर इनको इक्विवेलेंट माना जाता है तो मतलब ये वो नहीं है जो आपको चाहिए,
लेकिन ये उस तरह काम कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारे घरों में जनरली डिसीजन मेकर होते हैं हमारे फादर होते हैं, लेकिन कई बार हमारे फादर नहीं होते। तो मान लीजिए किसी ने हमें बोला कि यार आपके घर का मुझे जो है कोई पेचकस चाहिए था, कोई टीवी चाहिए थी, या मान लीजिए मुझे पानी चाहिए, या आपका ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, तो अब उस टाइम पे डिसीजन मेकर कौन है? मैं। अच्छा, मैं हूँ तो मैं फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं उनकी तरह काम कर रहा हूँ, तो आई एम द डिसीजन मेकर देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हम लोगों ने समझा कि वो इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके बराबर। तो नाउन तो नहीं है, That is not a noun, but it is working as a noun, है ना। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे infinitive होता है, जैसे gerund होता है, जैसे the plus adjective होता है, उनके बारे में we'll discuss it on later, but what I am trying to tell you, I want to give you an overview of the noun equivalent or of these questions answers. So what about the last answers, क्या कहता है, noun और verb के अलावा क्या और कुछ भी subject नहीं बनता? ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये एक तरह से इस क्वेश्चन को रिलेट कर रहा है कि नाउन और वर्ब के अलावा क्या और कुछ भी सब्जेक्ट नहीं बनता। देखो, वर्ब तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बात है, नाउन और प्रोनाउन यहाँ पे होना चाहिए था। नाउन और प्रोनाउन के अलावा क्या सब्जेक्ट नहीं बनता? बिल्कुल बनता है, और उनको हम लोग कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं? नाउन इक्विवेलेंट। तो ये हम लोगों ने आज के क्वेश्चन डिस्कस करे, बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा, एकदम अलग तरीके से हम लोगों ने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अभी रूल्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं करे हैं, और इन्हीं जो कॉन्सेप्ट हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं क्वेश्चन पर हम लोग और एलोबोरेट करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, और हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स जो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। कुछ भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको डिस्कशन आपको लग रहा हो कि यार ऐसा कुछ किताब में तो नहीं था, और मुझे लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं कुछ गलत है, या फिर उनको कुछ कन्फ्यूजन है, तो दिए हुए हमारा जो साइट है धूम डिफेंस अचीवर्स, हमारे जो थंबनेल में आपको दिख रहा होगा ऊपर जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, हमारी साइट पे विजिट कर सकते हैं, हम लोग बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और पर्सनली आपका अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड या करियर गाइड चाहिए, तो आप हमारे नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे न सिर्फ आपको सही गाइड मिलेगी, बल्कि आपको अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी हेल्प भी मिलेगी। इसी वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, और कीप रीडिंग।